आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ घर पर बनने वाले मोहन थाल की रेसिपी को। इस मोहन थाल को आप झटपट से घर पे बना के तैयार करेंगे। इसके लिए आपको चाशनी नहीं बनानी है, बिना चाशनी के ही एकदम दानेदार सॉफ्ट आपका मोहन थाल जो है बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इस सॉफ्ट से मोहन थाल को बनाना। इसे बनाने के लिए आपको 2 कप बेसन लेना है। बेसन को पहले अच्छे से छान लेना है और मेजरमेंट के लिए आप कोई घर की कोई कटोरी कप कुछ भी ले सकते हैं, किसी से भी मेजर करके सारी चीज़ें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें बेसन को मैंने डाल दिया है। अब इसमें घी ऐड करना है हमें, ज़्यादा घी नहीं लगता है, 2 चम्मच ही लगेगा। साथ में 2 चम्मच हम दूध डाल देंगे और इसे अच्छे से हाथों से मिलाते हुए इसका मोयम लगा लेंगे। पूरे बेसन को इस तरह से मलते हुए हमें इसको मोयम में अच्छे से मिक्स करना है। और जब ये मिक्स हो जाएगा ना, तो बेसन जो है ना आपको हल्का सा दानेदार सा दिखने लगेगा। और देखें अब मैंने इसे अच्छे से हाथों से रगड़ रगड़ के पूरा मोयम लगा दिया है, तो इससे ये दाना जो देखें बहुत ही अच्छा बन के आ गया है। अब ये तैयार हो चुका है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो 1 चम्मच दूध या घी और भी डाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक छन्नी लेना है आटा छानने वाली, या फिर आपके पास थोड़ा सा मोटी वाली छन्नी हो तो वो भी ले सकते हैं। अब बढ़िया से इसे छान के तैयार करेंगे हाथों से। अगर कोई दिक्कत हो तो इस तरह से मिक्स करते हुए छान लेंगे। अब जो देखें ये बेसन है ना, ये एकदम दानेदार बढ़िया सा तैयार हो गया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में इसे डाल देंगे। अगर आप बिना घी के मोहन थाल बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको इसको कलर चेंज होने तक भूनना है। लेकिन दिवाली है तो दिवाली में हम बहुत ही स्पेशल बनाते हैं जो कि सबको पसंद आए, खाने में भी स्वादिष्ट लगे। और बेसन की मिठाई एक ऐसी मिठाई है जिसे हम कभी भी घर पे बनाते हैं और वो सबको पसंद आती है। जैसे बेसन की बर्फी हो गई, बेसन के लड्डू हो गए, या बेसन का मोहन थाल हो गया। तो कोई भी मिठाई आप बेसन से बनाते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी बढ़िया बन के तैयार होती है। आप देखिए हमारा बेसन जो है कितना दानेदार बढ़िया से बन के तैयार हो गया है। इसे मैंने 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच में बढ़िया से चलाते हुए भूना है। अभी ये पूरी तरह नहीं भुना है, अभी हम इसी तरह से इसे चलाते हुए भूनेंगे, थोड़ा टाइम और लगेगा। और ये सारा काम मैं धीमी आंच में कर रही हूँ ताकि जो बेसन हमारा भुज के तैयार हो तो बहुत ही बढ़िया हो। अब मैंने यहाँ पे आधे कप घी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके मैं घी डालूँगी और इसे चलाते हुए भून लूँगी। जैसे मैंने बताया, अगर आप बिना घी के बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऐसे ही इसको भून लीजिए। अगर त्योहार के लिए बढ़िया बनाना चाहते हैं तो इसे अच्छे से घी डालकर भूंज के तैयार करिएगा, जैसे मैंने किया है। अब देखें ये कितना दानेदार बढ़िया सा ये बन के तैयार हो गया है। और मैंने घी की कंजूसी बिल्कुल भी नहीं की है, बढ़िया हमारा मोहन थाल दानेदार सा बन जाए इसलिए मैंने इसमें आधे कप बेसन में वो आधे कप घी मैंने डाल दिया है 2 कप बेसन में। अब मैं देखिए इसे कलर चेंज होने तक भूंज रही हूँ और इसका दाना देख के आपको पता ही चल रहा होगा कि कितना बढ़िया हमारा बेसन तैयार हुआ है। अब जैसे मैंने बताया, आज हम चाशनी नहीं बनाएंगे और ऐसे डायरेक्ट ही हम इस मोहन थाल को बना के तैयार करेंगे। बेसन जब भून जाता है तो देखें इस तरह से हल्का हो जाता है, फूला फूला सा हो जाता है। इस समय आपको दूध ऐड करना है सिर्फ 2 चम्मच, और इसे इस तरह से चलाते जाना है। बढ़िया तरीके से चलाएंगे, जैसे ही हम दूध ऐड करेंगे ये और भी दानेदार हल्का हो जाएगा। अब देखें ये काफ़ी हल्का हो गया है, बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा दूध डालना है और इस तरह से चलाना है, इससे इसका दाना और भी अच्छा आएगा। और जब मोहन थाल ये बन के तैयार होगा तो बहुत ही सॉफ्ट होगा। दूध जो है ना बहुत ही सॉफ्ट मिठाइयों को बना देता है, तो इस जब हम इस तरह से दूध डालेंगे तो ये सॉफ्ट मिठाई हमारी बन के तैयार होगी। तो देखें ऐसा मैंने 3 बार करा है, 2-2 चम्मच दूध ऐड किया है। थोड़ी थोड़ी देर में जब ये अच्छे से भुन जाता है तो मैं 2 चम्मच दूध और डाल देती हूँ। अब इसमें डालेंगे हम चीनी, तो यहाँ पे जितना हमारा बेसन है उसकी आधी हमें चीनी डालना है। मैंने 2 कटोरी बेसन लिया था तो 1 कटोरी यहाँ पे चीनी डाली है। आधे कप हमें दूध डालना है, अगर कटोरी से नापेंगे आप तो भी आपको आधे कटोरी लेना है, बहुत ज़्यादा दूध दूध नहीं लगता है इसमें।
बिना चाशनी के ही ये बनके तैयार हो जाएगी। कलर पसंद करते हो तो थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल दीजिए, अगर नहीं पसंद करते हो तो इसे स्किप कर दीजिए। बेसन का एक अपना कलर होता है तो उस कलर की ये मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। आप देखें ये चीनी अच्छे से घुल गई है और कुछ इस तरह से ये सॉफ्ट सा हो गया है, लेकिन अभी हमें इसे धीमी आंच में लगातार चलाते हुए भूनना है। थोड़ा टाइम लगेगा पर ये भून के तैयार हो जाएगा। नीचे से बहुत जल्दी लगता है, इस बात का ध्यान रखना है, तो इसे चलाना है, छोड़ना नहीं है। अगर मैंने छोड़ा इसे तो ये नीचे से लग रहा था, तो बस इस तरह से हम चलाते जाएंगे जब तक कि ये कम्बाइंड सा ना होने लगे। जैसे ही इस तरह से कम्बाइंड सा होने लगे और इस तरह से थिक सा दिखने लगे तो आप इसे चेक कर लीजिए एक बार। तो एक कटोरी कोई भी ले लीजिए घर की प्लेट कटोरी, और थोड़ा सा मिश्रण इसे डालिए और इसे ठंडा करिए। अब मैंने इसे ठंडा करने के लिए छोड़ा है और ये ठंडा हो जाएगा तो इसका गोला इस तरह से बना के देखेंगे। तो देखें एकदम परफेक्ट बढ़िया हमारा गोला बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो इसी तरह से हमें इसका गोला बना के तैयार करना है। तो ये पक के तैयार है, अब हम इसे गैस को बंद करेंगे और इसे निकाल लेंगे। अच्छे से ये भुंज के तैयार हो चुका है, इसे सेट होने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैंने केक टिन लिया है जिसमें मैंने बटर पेपर नीचे लगा दिया है ताकि ईजिली ये मिठाई निकल आए। बटर पेपर से थोड़ा सा ईजिली निकल आती है, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखिए कितना रसीला दानेदार सा हमारा मोहन थाल जो है बनके तैयार होने वाला है। इसे देख के आपके मुँह में पानी ज़रूर आ जाएगा क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें। हल्का सा चिकन चम्मच से चिकना कर दीजिए और इसे छोड़ दीजिए जब तक कि अच्छे से सेट ना हो जाए। इसे सेट होने में 20 से 25 मिनट लग सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी लग सकते हैं। और देखिए कितना सॉफ्ट बढ़िया हमारा ये निकल के तैयार हो गया मोहन थाल। इसे आपने पहले कभी ट्राई किया है? अगर नहीं किया है तो आप ज़रूर करिए। और मैंने देखे थोड़े से ड्राई फ्रूट और लगा दिए जिसमें इसमें और भी ज़्यादा चार चांद लग गए। अब यदि मैं काट के दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट और रसीला बना है, और ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, इतना ज़्यादा ये दानेदार बढ़िया बनता है। काटने से ही पता चल रहा होगा चाकू कितनी बढ़िया चल रही है। अब मैंने इस पीसेस को निकाल लिया है और आपको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कितना बढ़िया हमारा मोहन थाल दानेदार बढ़िया सा बन के तैयार हुआ है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिएगा। ये देखें सॉफ्ट मोहन थाल आपके पास बन के तैयार हुआ है।